ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಆತ್ಮೀಯ ಹೇ ಸೀತಾರಾಮ್ ವೀಕ್ಷಕರೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮವ ಯಮ್ಮ ಇವತ್ತು ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಜೋತಾವರು. ತಮಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ತಾವು ನೋಡಬೇಕು, ನೋಡೋ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹಂಚ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಈ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನೋಡಿ ಈ ಸುದ್ದಿಗಳೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक खेती के लिए एक नेशनल मिशन का फैसला लिया गया है. ये एक पाथ ब्रेकिंग फैसला है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारे देश में एक बड़ी रिक्वायरमेंट है, जो किसानों की जमीन है, भूमि है, मिट्टी को स्वस्थ रखने की और केमिकल रहित प्रोडक्ट से इंसानों को स्वस्थ रखने की. इसीलिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण आज फैसला लिया गया है. और ये फैसला साथियों पुराने कई फैसलों की कड़ी में है. 22-23 में एक और थोड़ा बड़ा एक्सपेरिमेंट किया गया कि गंगा जी के किनारे दोनों साइड 5-5 किलोमीटर का एक कॉरिडोर लिया गया. उस कॉरिडोर में नेचुरल फार्मिंग हो, केमिकल रहित फार्मिंग हो, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया. करीब करीब देश भर में 10 लाख हेक्टेयर के आसपास नेचुरल फार्मिंग यानी प्राकृतिक खेती के द्वारा किया गया. तो आज जो मिशन लिया गया, इसमें केमिकल फ्री और सस्टेनेबल फार्मिंग एक मिशन के तौर पे लिया जाएगा और 1 करोड़ किसानों को इसमें कवर किया जाएगा. 1 करोड़ किसानों को इसमें कवर किया जाएगा. और बहुत ध्यान रखा जा रहा है कि जो विलिंग फार्मर्स हैं, जो विलिंग पंचायत हैं, उनको आगे लाए. और एक प्राकृतिक खेती के लिए जो इकोसिस्टम चाहिए, वो इकोसिस्टम पूरा तैयार हो जाए, वैसी व्यवस्था इसमें मिशन में की जा रही है. ग्रीन एनर्जी के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बड़ा टारगेट लिया है, 500 गीगावाट का. तो आपने देखा किस तरह से सोलर में रिकॉर्ड की संख्या में नए पावर प्लांट्स लग रहे हैं, किस तरह से विंड में नए पावर प्लांट्स लग रहे हैं. ऑफशोर विंड का भी हाल ही में 3 महीने पहले अप्रूव हुआ पहला प्रोजेक्ट. आज 2 बहुत बड़े प्रोजेक्ट अप्रूव हुए हैं. पहला प्रोजेक्ट है हियो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, अरुणाचल प्रदेश में 240 मेगावाट का. ये रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है और यारजेप रिवर है उसके ऊपर ये बनाया जाएगा शियोमी डिस्ट्रिक्ट में. 240 मेगावाट का पावर प्लांट है, 1 बिलियन यूनिट साल का जनरेट करेगा ये. इस प्रोजेक्ट में 1939 करोड़ का इन्वेस्टमेंट रहेगा. और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, जो कि अरुणाचल के लिए भी, पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए भी और भारत की जो ग्रीन एनर्जी की ट्रांजिशन है उसमें भी बहुत बड़ा इसका रोल है. उपचुनाव क्षेत्र कांग्रेस सरकार ಹಗರಣಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತ ಅನ್ನುವಂತಹ ಹಣೆಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು, ನಾನು ಲಾ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ. ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಜನ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹಗರಣ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಮತ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಆರೋಪಗಳು ಸುಳ್ಳು ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಬಿಂಬಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಹಗರಣಗಳು, ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಅಕ್ರಮಗಳು, ಇವು ಅಕ್ಷಮ್ಯ ಅಪರಾಧಗಳು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಉಗ್ರವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಜನ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಅಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ, ಕ್ಷಮಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ನೊಂದವರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಅಹವಾಲನ್ನ ಕೇಳಿ ಆನಂತರದಲ್ಲಿ ಸದನಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಹ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ತಂಡಗಳು ಈಗಾಗಲೇ, ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಹೋರಾಟದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಂಡ, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಂಡ, ಮತ್ತು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ನಾಯಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಚನ್ನವಾದಿ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಂಡ. ಈ 3 ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖರನ್ನ, ಹಾಲಿ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು, ಸಂಸದರು, ಮತ್ತೆ ಆ
ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ರೈತ ಮುಖಂಡರು ಇವರನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ತಂಡವನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. Home and cooperation. We, the cooperators, the young boss. निवेदन करूंगा माननीय केंद्रीय कि वे इस अवसर पर स्मारक डाक टिकट का प्रथम एल्बम और इसीलिए आज पूरा विश्व भारत के शीर्ष नेतृत्व की ओर आशा भरी. फैमिली सिस्टम का भी यही आधार है और यही तो कोऑपरेटिव्स का भी मूल है. सहकार के इसी भाव के साथ भारतीय सभ्यता फली फूली है. साथियों, हमारे आजादी के आंदोलन को भी सहकारिता ने प्रेरित किया है. इससे आर्थिक सशक्तिकरण में तो मदद मिली, स्वतंत्रता सेनानियों को एक सामूहिक मंच भी मिला. महात्मा गांधी जी के ग्राम स्वराज ने सामुदायिक भागीदारी को फिर से नई ऊर्जा दी. उन्होंने खादी और ग्रामोद्योग जैसे क्षेत्रों में सहकारिता के माध्यम से एक नया आंदोलन खड़ा किया और आज खादी और ग्रामोद्योग को हमारी कोऑपरेटिव्स ने बड़े बड़े ब्रांड से भी आगे पहुंचा दिया है. और बहुत लंबे समय से प्रतीक्षित 75 साल के बाद देश में एक अलग सहकारिता मंत्रालय खोलने का निर्णय किया गया और ये निर्णय के बाद 3 साल के अंदर सहकारिता क्षेत्र में अनेक विध नई गतिविधियां बनी हैं. सहकारिता आंदोलन का एक प्रकार से पूरा पुनर्गठन हुआ है और नया जोश भरने का काम हुआ है. 2 लाख नए पैक्स के माध्यम से 3 साल के बाद एक भी गांव ऐसा नहीं होगा जहां प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी नहीं होगी. इतना ही नहीं, पैक्स को आधुनिक बनाना, टेक्नोलॉजी से लैस करना और आर्थिक रूप से वायबल बनाने के लिए भी ढेर सारे फैसले हुए हैं. और 3 नई सहकारिता की कोऑपरेटिव राष्ट्रीय स्तर पर बनाई हैं, जिससे भारत का किसान न केवल देश दुनिया भर के बाजार तक अपनी रीच को बढ़ाएगा. संस्कृति मंत्रालय के सचिव श्री अरुणेश चावला जी, राष्ट्रपति जी के कल उद्बोधन होगा और दोनों हाउस के लोकसभा राज्यसभा के मेंबर्स का ज्वाइंट सिटिंग संविधान सदन में होगा और उसमें 75th ईयर्स ऑफ द अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का सेलिब्रेशन यहां दिल्ली में होगा और साथ साथ में देश में हर एक जगह अलग अलग कार्यक्रम कई जगह में किया जा रहा है, क्योंकि हम लोग उसी सदन में बैठेंगे जहां कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सिटिंग हुए थे और कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया था. इसलिए ये ऐतिहासिक पल है. मैं मानता हूं कि इसमें सिर्फ जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का ये इवेंट नहीं है. ये हर एक भारतीय, हर एक भारत के नागरिक सबको मिल करके संविधान दिवस में शरीक होना है, दिल से मानना है और प्रयोग को पढ़ना है. इसके प्रधानमंत्री बने हैं तब से लेकर के संविधान का सम्मान करना, इसके अलावा इसका कोई ज्यादा महत्व नहीं था. लेकिन 19 नवंबर 2015 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से एक नोटिफिकेशन जारी होता है और उसमें लिखा रहता है कि बाबा साहब बी आर अम्बेडकर जी की 125वीं जयंती के अवसर पर सरकार ये निर्णय लेती है कि आने वाले समय में 26 नवंबर का दिन प्रतिवर्ष संविधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा. ये महत्वपूर्ण निर्णय था नरेंद्र मोदी जी का. संविधान
जो हम सबका स्वाभिमान भी है। भारत का संविधान जो केवल मात्र एक कानूनी दस्तावेज होने के बजाय लोकतंत्र, न्याय, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की मूर्त भावना को हम सब के बीच में मूर्त रूप देने वाला एक जीवंत दस्तावेज है। उस दस्तावेज के 75 को अंगीकृत करने, जिसके आधार पर हम विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र ऐसा पहचान बनाने में अपने सफल हुए, जिस संविधान के अनुरूप काम करते हुए आज 75 साल में भारत प्रगति करते हुए इस मुकाम पर आकर के पहुंचा है कि पूरे विश्व भर में भारत का मान और सम्मान बढ़ा है। इल्लीवरेगे तवेल्ला सुद्दि नोड़ता बंद्री नोड़ी ನಿಮ್ಮ ಖುಷಿನೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ದುಃಖನೂ ಅನಿಸ್ಬೋದು, ಯಾಕೆ ಹಾಕಿದಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಬೋದು, ಏನು ಅನಿಸಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗೆ ನಮ್ಗೆ ಭಾಳ ಪ್ರಮುಖ. ಈ ಸುದ್ದಿಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅನಿಸಿದು ನೀವು ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ರಿ, ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ರಿ ಈ ನ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನು. ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೇ ಸೀತಾರಾಮ್ ನಿರಂತರ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ರಿ. ಹೇ ಸೀತಾರಾಮ್ ಸತ್ಯದ ಕೈಗಳನ್ನೇ ವಂದನೆಗಳು.